तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ आ रही गोल्डी भाई और स्काउट की तरफ से, तो जो पूरा मैटर हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो आज जब स्काउट बहुत दिनों बाद वैलोरेंट खेल रहे थे, तो कुछ लोग उनकी लाइव स्ट्रीम में स्पैम करने लगे कि आपको खेलना नहीं आता है ना, आप दूसरों को आईडी देके क्यों रैंक पुश करवाते हो। तो इस पर स्काउट बहुत ज़्यादा ही एंग्री और टॉक्सिक हो गए थे, और जो लोग स्पैम कर रहे थे स्काउट ने उन्हें ऑन स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी दी और वो बहुत ज़्यादा एंग्री दिखाई दिए। इसके बाद गोल्डी भाई की लाइव स्ट्रीम में स्पैम होने लगा कि हेल्प स्काउट एंड स्काउट टॉक्सिक। तो इसी का रिप्लाई देते हुए गोल्डी भाई ने कहा कि स्काउट टॉक्सिक होकर सिर्फ अपने आप का करियर बर्बाद कर रहा है एंड वो खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है। स्काउट को लगता है कि वो अभी भी 2019 में जी रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब 2021 आ चुका है। जिस दिन वो बुरा फंसेगा उसकी सारा जो गुस्सा और आग है वो अपने आप शांत हो जाएगी। इसी के साथ साथ गोल्डी भाई ने ये भी कहा कि स्काउट टॉक्सिक हो जाता है एंड वो फिर गाली देने लगता है, एंड फिर जब उसको गाली पड़ती है और उसको समझ में आता है कि बड़ा पंगा हो गया है, वो आके सॉरी बोल देता है एंड अगले दिन से वापस छाती चौड़ी करके स्ट्रीम करने बैठ जाता है। इसी के बाद गोल्डी भाई को एक और चैट आई कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए गोल्डी भाई ने कहा कि अब मैंने स्काउट और टॉक्सिक चीज़ों के बारे में सोचना और चिंता करना बंद कर दिया है। आप एक इंसान को तभी तक समझा सकते हो जब तक वो समझना चाहता हो। एंड इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गोल्डी भाई ने जो कुछ कहा आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के साथ मिल जाएगी। एंड स्काउट ने अपनी स्ट्रीम प्राइवेट कर दी है। एंड इस पूरे मैटर पर भाई प्लीज़ किसी को हेट मत देना। हमारी अगली न्यूज़ सारी डायनमो और क्रॉन्टन की तरफ से। तो डायनमो ने क्रॉन्टन पर रिएक्ट करते हुए ये कहा कि जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है या जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि क्रॉन्टन को भी साथ में ले लो, क्योंकि क्रॉन्टन बहुत ही पॉजिटिव और फनी बंदा है एंड वो हमेशा चिल रहता है। तो इससे तो हम समझ सकते हैं कि डायनमो एंड क्रॉन्टन भाई की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। तो हमारी अगली न्यूज़ सारी ओवर आदित्य की तरफ से। तो उन्होंने रिएक्ट किया एस पावर पर और उन्होंने कहा कि जो एस पावर की एज है और जिस हिसाब से वो खेलते हैं उन्हें किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं पर एज अ पर्सन उन्हें भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो हमारी अगली न्यूज़ सारी मावी की तरफ से। तो मेजी जो एक पबजी के कास्टर है उनसे पूछा गया कि मावी को स्लॉट मिलेगा या नहीं, तो इसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा कि मावी को स्लॉट की क्या ज़रूरत है, सोल ऑलरेडी इन्वाइटेड है। तो इसके हिसाब से तो हमें यही पता चलता है कि मेजी के अकॉर्डिंग मावी सोल में ही रहने वाले हैं एंड अगर मावी सोल में है तो स्काउट भी हमें सोल में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी अगली न्यूज़ सारी ऑरेंज रॉक की तरफ से। तो ऑरेंज रॉक में एक मिस्टर मिस्टेक नाम का बंदा खेल रहा था, तो इसी पर आदित्य से पूछा गया कि ये कौन है, तो इसका रिप्लाई देते हुए आदित्य ने कहा कि वो गिल है। तो हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।